हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 1 जनवरी 2021 और 1 जनवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आप सभी को 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, और साथ ही इस 9 वर्ष में यानी 2021 में जो नया साल आपके लिए आया है, आपके लिए नया वर्ष कुछ नया लेके आए, मैं इस बात की कामना करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पोलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है? अभी हाल ही में उत्तराखंड में भारत के पहले पोलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4 एकड़ में तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीटों की 40 प्रजातियों के साथ देश का पहला परागणकर्ता पार्क यानी पॉलिनेटर पार्क विकसित किया गया है। इस पार्क को विकसित करने का उद्देश्य विभिन्न परागण प्रजातियों का संरक्षण करना, इन प्रजातियों के संरक्षण के महत्व के बारे में सामान्य रूप से लोगों में जागरूकता पैदा करना और परागण के विभिन्न पहलुओं पर शोध को बढ़ावा देना, जिसमें प्रवास के लिए खतरा और परागणकर्ताओं पर प्रदूषण का प्रभाव भी शामिल है। पार्क में वर्तमान में परागणकर्ताओं की 40 प्रजातियां हैं, जिसमें आम, जिजेबल, कॉमन इमिग्रेंट, रेड पायरोट, कॉमन सेलर, प्लेन टाइगर, कॉमन लेपर्ड, कॉमन मोरन, कॉमन ग्रास येलो, कॉमन ब्लू बॉटन, कॉमन फोर रिंग, पीकॉक पैंसी, पेटेंट लेडी, पाइनियर वाइट, पीले रंग नारंगी टाइप और लाइम जैसी तितलियां शामिल हैं। अब बात उत्तराखंड की है। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन कैपिटल है गैरसैंण। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के वर्तमान समय की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में बी के यादव यानी विनोद कुमार यादव को 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, वी के यादव। रेलवे बोर्ड के वर्तमान समय के चेयरमैन और सीईओ विनोद कुमार यादव को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। हर साल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली लोकल नेटवर्क भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में भी मनाता है। इस अवसर पर इस जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन सभी में सभी टेक्नोलॉजी कार्यक्रमों के अलावा संस्थान इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग हस्तियों को प्रतिष्ठित इंजीनियर का पुरस्कार भी प्रदान करता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी IET एक बहुविषयक पेशेवर इंजीनियरिंग संस्थान है, जिसे औपचारिक रूप से द इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 1871 में स्थापित किया गया था। यह दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थाओं में से एक है, जिसमें 150 देशों के 1,68,000 से भी अधिक मेंबर हैं। इंस्टीट्यूशन इस 150 साल के अस्तित्व का भी जश्न मना रहा है 2020 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख के लेह में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान केंद्र यानी मेट्रोलॉजिकल सेंटर का उद्घाटन किया है। केंद्र क्षेत्र में स्थानीय मौसम पूर्वानुमान भी प्रदान करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप
क्षेत्र के लिए मौसम संबंधी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। लेह में स्थापित किया गया मौसम विज्ञान केंद्र हिमालय में स्थित दूसरा MC यानी मेट्रोलॉजिकल सेंटर है। इससे पहले ऐसी सुविधा केंद्र अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थापित किया गया था। यह सुविधा केंद्र 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र बनाता है। यह नया MC केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र के लेह और कारगिल जिलों के लिए शॉर्ट रेंज यानी 3 दिन, मध्यम रेंज 12 दिन और लंबी रेंज 1 महीने का पूर्वानुमान भी प्रदान करेगा। बात लद्दाख की है। लद्दाख के वर्तमान समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्णा माथुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी इन परस्यूट ऑफ जस्टिस का विमोचन किया गया है? अभी हाल ही में राजेंद्र सच्चर की ऑटोबायोग्राफी इन परस्यूट ऑफ जस्टिस का विमोचन किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, राजेंद्र सच्चर। दिवंगत जस्टिस राजेंद्र सच्चर के परिवार ने द इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ और द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर स्वर्गीय जस्टिस राजेंद्र सच्चर के द्वारा लिखित पुस्तक इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटो बायोग्राफी का विमोचन किया है। इस पुस्तक को उनके मरणोपरांत प्रकाशित किया गया है। जस्टिस राजेंद्र सच्चर एक समाजवादी, एक समतावादी, नागरिक स्वतंत्रता के समर्थक, एक जिम्मेदार नागरिक और सबसे बेहतर एक मानवतावादी भी थे। एक व्यक्ति जो लाइन के आखिरी आदमी तक के लिए खड़े होने में विश्वास करता था, वह एक नैतिक कंपास से सशक्त थे और जो कभी भी डगमगाया भी नहीं था। 1970 में वो दिल्ली हाई कोर्ट में शामिल हुए, लेकिन आपातकाल के विरोध में आवाज उठाने के लिए उन्हें दिल्ली से बाहर स्थानांतरित भी कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने असम के सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने असम के सिलचर में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, नितिन गडकरी। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने असम में एक बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। इसका निर्माण सिलचर में किया जाएगा और सिलचर सौराष्ट्र राजमार्ग की वालाचिर्रा हरेंगा जाओ सेक्शन को मार्च 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। श्री गडकरी ने यह घोषणा रंगपुर में मधुरमुख के पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के 0 पॉइंट पर आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में की है। साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने 20 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया और असम की 2,366 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनकी कुल लंबाई 439 किलोमीटर है। लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण सिलचर में किया जाएगा और ईस्ट बेस्ट कॉरिडोर के निर्माण कार्यों में तेजी भी लाई जाएगी और बराक नदी के ऊपर 2 नए पुलों का भी निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने बराक घाटी के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड में 250 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का प्रस्ताव भी भेजा है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने ये कहा कि ब्रह्मपुत्र की जल परिवहन प्रणाली को मजबूत किया जाएगा और बराक नदी पर ड्रेजिंग का भी काम अब लगभग पूरा हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नए विस्टाडोम कोचों की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का सफल परीक्षण किया है? अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने नए विस्टाडोम कोचों की 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, भारतीय रेलवे। हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा नए डिजाइन किए गए विस्टाडोम पर्यटक कोच के 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने के परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। यह विस्टाडोम कोच यात्रियों के लिए रेल यात्रा को यादगार बनाने के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे। इन लग्जरी पर्यटक कोचों का निर्माण चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा किया गया है। यूरोपीय शैली के डिजाइन के इन कोचों में बाहरी दृश्यों को देखने के लिए छतों को कांच से बनाया गया है और खिड़कियों को चौड़ी भी रखा गया है। वर्तमान में नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, कांगड़ा वैली रेलवे, माथेरान हिल रेलवे, मुंबई में दादर और मंडगांव की अरकू घाटी के बीच के साथ साथ कश्मीर घाटी में 13 विस्टाडोम कोचों का परिचालन किया जा रहा है। अब बात है इंडियन रेलवे की, तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारतीय रेलवे के वर्तमान समय की केंद्रीय मंत्री हैं
पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सामाजिक न्याय के लिए दिए जाने वाले मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स की मेजबानी की है? अभी हाल ही में हारमोनी फाउंडेशन ने सामाजिक न्याय के लिए दिए जाने वाले मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स की मेजबानी की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, हारमोनी फाउंडेशन। हारमोनी फाउंडेशन ने सामाजिक न्याय के लिए दिए जाने वाले मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स की मेजबानी की है। अपने 16 वर्ष में पुरस्कार सिस्टर प्रेमा मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सुपीरियर जनरल मदर टेरेसा द्वारा शुरू किया गया एकमात्र पुरस्कार है। इस वर्ष के पुरस्कारों का विषय सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम्स था। हारमोनी फाउंडेशन एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है जो सामाजिक न्याय के दायरे में काम करता है। इसकी स्थापना 2005 में अक्टूबर राइस डीट्रे स्थापना और मजबूत बनाना और विभिन्न समुदायों के बीच सामाजिक सामंजस्य को मजबूत करना और सभी के हित में काम करना बिना किसी धर्म, पंथ, लिंग या उनके मूल और भेदभाव को खत्म करने के लिए भी इसमें प्रस्तावित बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित किया है? अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नागालैंड के क्षेत्र को अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, नागालैंड। पूरे नागालैंड राज्य को 6 और महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। सशस्त्र बल जिसकी विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से केंद्र सरकार ने इसे 6 महीनों की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। सशस्त्र बल अधिनियम नागालैंड में कई दशकों से भी लागू है। आपको याद रखना है, नागालैंड को पहले से भी अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था, लेकिन अभी एक प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट ने पारित किया है और जिसके तहत अब 6 महीनों के लिए नागालैंड को फिर से अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, MS धोनी, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर कहूंगा, आपके पास क्वेश्चन से संबंधित जानकारी अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के पहले स्वदेशी निमोनिया टीके न्यूमोसिल का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन के चार ऑप्शन है, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक और नरेंद्र मोदी। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपके पास क्वेश्चन से संबंधित जानकारी अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। इसके साथ ही अब 2021 का नया वर्ष शुरू हो गया है, तो आप सबको कुछ ऐसे अच्छे काम करने हैं 2021 में शुरुआत में, जिससे कि 2021 आपका सबसे अच्छा हो। आज के लिए इतना ही, मैं आपको बस इतना सजेस्ट करूंगा कि इस नए वर्ष में आप नए रिजल्ट की कामना कीजिए और उस नए रिजल्ट के लिए आप नई एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति जिम्मेदारी से लग जाइए। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।